Hey, पाकलू, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. क्या कहना है तुमको? तुमसे मैंने अच्छे से पूछा ही नहीं कि तुमको कैसा महसूस हो रहा है. परसों हम लोग शूट बोल रहे हो शिफ्ट हो गए. अच्छा लग रहा है. फ्रेश अच्छा लग रहा है. इतना चिल्लाना नहीं है. अच्छा व्यू है. एक्चुअली पंकज ना चिल्ला नहीं रहा हूँ, ये मेरा नॉर्मल वॉइस है. नहीं, पंकज एक्चुअली ना बहुत स्लो, मतलब धीरे बात करता है. उसका वॉल्यूम मेरे से कम 10 गुना कम रहता है. तुम बात करने कब देती हो? अभी मैं अपना चेहरा दिखा नहीं सकते, इसलिए सिर्फ पंकज को दिखाऊंगी. और सामने का ये ब्यूटीफुल व्यू मुझे ना ये बहुत खूबसूरत लगता है. आसमान में क्लाउड, ऊपर ये जो बीच में वाइट गैप, कितना सुंदर है ना. कल और सुंदर था, यू नो, उस साइड में पंकज, उस बालकनी से पूरा रेड लाल. अभी मैं अपना चेहरा दिखा नहीं सकती, अभी थोड़ा काम है. पहले मैं फ्री हो जाऊं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ. और हमारा मंदिर, वैसे ये जो हमने अनबॉक्सिंग किया है और इसको कैसे हमने यहाँ पे डाला था, मेरा ब्लॉग मैंने कल बनाया था पर उतना अच्छा बना नहीं. सो मैंने उस ब्लॉग को कंसिडर ही नहीं कर रही हूँ अब. एनीवेज, सो हमारा ये कुछ इस तरह दिखता है. एक मिनट, अब अच्छे से दिखेगा. और एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, देखिए शाम के टाइम. और हम लोग ना ये दिवली जो है ना, इसको हम यहाँ पे नहीं रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा देर तक जलता नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है तेल. तो हमारा जो पुराना वाला है वही रखेंगे. और इसे हम रखने वाले हैं जब तुलसी पौधा आएगा तो वहाँ. आई एम हैप्पी कि ये पूरा सेट हुआ और मेरा ये ड्राइंग पेंटिंग शो हो रहा है. मम्मा कुछ बोलोगी, कैसा लग रहा है नए घर पे? बहुत अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट. अरे वाह. आज लंच पे मैं मोमोज खा रही हूँ. आज कुछ बनाई नहीं, टाइम ही नहीं मिला. बाद में मिलती हूँ, खा लूँ. लेट हो रही हूँ बाल भवन के लिए. सो मैं भी हूँ बाल भवन में और अपना चेहरा ऐसे दिखाने का ज़रा से भी मन नहीं था. सुबह से इतना बिजी थी, इतना काम था. सुबह के 8 बजे उठी और बीच बीच में ब्रेक ली हूँ. ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली काम की हूँ, पर जितना भी काम था वो ख़त्म हुआ 2:25 को. फिर मुझे रेडी, मतलब बाल भवन भी आना था तो जल्दी जल्दी मैं कुछ भी, मतलब मैं बना नहीं पाई. एक्चुअली बहुत सारे कपड़े बच गए थे जो धोने थे मम्मा के, हमारे तो, और किचन साफ़ करना था जो कि इनकम्प्लीट था. हमारा रूम साफ़ करना था, मम्मा का भी रूम का बचा है, मतलब मम्मा के कपड़े तो अभी तक अलमारी में डाले ही नहीं तो वो बचे हैं, वो कल करेंगे क्योंकि कल संडे है. इसलिए आज बाहर से खाना लाना पड़ा. और आज मैंने सैटरडे फॉलो नहीं की, प्योर वेज नहीं फॉलो की क्योंकि बनाने का ज़रा सा भी टाइम नहीं था. सो वेज ही खाई हूँ बट ऑनियन था, सो आज कंसिडर नहीं कर रहे हैं हमारा सैटरडे. एंड अभी मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा नेट पता नहीं क्या हो रहा है, एयरटेल के साथ क्या प्रॉब्लम है, नेट चल नहीं रहा है. मेरा डांस वीडियो मुझे अपने स्टूडेंट्स को भेजने हैं. सो अभी जियो भी लेके आई हूँ, जियो बहुत स्लो चल रहा है फिर भी अपलोड हो रहा है. मेरा तो एयरटेल का इंटरनेट ख़त्म हो गया. सो यहाँ बैठे बैठे अपलोडिंग कर रही हूँ एज वेल एज बाहर का दिखाती हूँ. बाहर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है. सुनने को मिला है कि यहाँ पे हॉल बनेगा स्कूल का, पता नहीं, आई थिंक
स्कूल के प्रोग्राम्स होते हैं ना उसके लिए। एंड यहाँ से भी आसमान बहुत खूबसूरत है। देखिए रिफ्लेक्शन, सीधा रिफ्लेक्शन एंड अच्छे से दिखाते हैं। आज मैंने भगवान को जलेबी चढ़ाया है और देखिए रिफ्लेक्शन, साईं बाबा का रिफ्लेक्शन अमेजिंग ना। तो बहुत अच्छा लग रहा है। शाम का मीन्स हम बंगाली में बोलते हैं सोंधे दावा। सो शाम का जो पूजा मैंने किया एंड बाहर का इससे अच्छा नहीं दिख रहा है। अभी मैं बनाऊंगी चाय मेरे लिए और पंकज के लिए। मम्मा कसाई पिएगी तो उनको दूध दूंगी मैं, तो दूध भी गर्म करना है। पर ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, बार बार ना मेरी आंखें ना अपनी तरफ जाते हैं क्योंकि आजकल इतना भयंकर दिख रही हूँ। और बकवास चीज़ ये हो गया है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, एक्सट्रीम। सी द स्काई, सो अमेजिंग। आज बारिश हुई थी जब मैं बाल भवन में थी, मैंने दिखाया भी था, स्लो मोशन में ली थी मैं आज, स्लो मोशन में लिया था ना, अच्छा था ना। सो अभी चलती हूँ, चाय वाय बनाती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद। और अभी बर्तन भी धोने हैं, दोपहर का जो लंच का बर्तन अभी भी पड़े हैं वो साफ करना है। सो चलो कर लेते हैं काम। पंकज ने बनाया है डिनर, ये है मेथी है ना इसमें, नहीं नहीं ये इसमें सरसों, मस्टर्ड सीड है और इसका क्या बोलते हैं, कड़ी पत्ता
एंड बहुत यमी दिख रहा है। लाइट थोड़ा कम है इसलिए आपको कुछ अलग कलर दिखेगा, हमें पूरा येलो दिख रहा है। चलो हाँ अब आप लोगों को येलो दिखेगा फ्लैश। सो यमी। सो अभी हम लोग करने वाले हैं अपना डिनर। वैसे 9:30 बज चुके हैं एंड अभी अपना डिनर कंप्लीट करके देन आज थोड़ा जल्दी सोएंगे क्योंकि कल थोड़ा जल्दी उठना है हमें, एटलीस्ट 7 बजे उठना है बिकॉज हम लोग मंगेशी और महालक्ष्मी टेम्पल जाने वाले हैं। सो चलिए गाइज आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ कल आप लोगों से। सो गुड नाइट, टेक केयर, टाटा।